हमारा मंडल हमारा पूरा परिवार है, एक परिवार समझते हैं हम, पूरा मेरा परिवार समझ के मैंने निभाया और सभी बहनें मेरी बहनें जैसी। समय से हमको पंचकल्याण कराने की यानी मन में भावना थी, बहुत लंबे समय से पंचकल्याण हुआ ही नहीं था, तो हमको अभी ऐसा लग रहा है कि भगवान का साक्षात समोसरण आया हुआ है। तो अभी गर्मी का मौसम दुनिया में जितने भी भगवान बनाए जाते हैं, प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, या तो उनकी आंखें खुली रहती हैं या तो उनकी आंखें बंद रहती हैं। लेकिन ये जैन शासन की एक विशेषता है कि जैनों के जो भगवान है उसमें एक विशेष रूप से आप दृष्टि पर नजर डालेंगे। तो ये महोत्सव या उत्सव भले 5 या 6 दिन का होता है, लेकिन समाज पूरी जैन समाज इसमें जुड़ती है और ये मात्र एक पुण्य बंध का विशेष कारण होता है, क्योंकि इस युग में हाथी और बग्गी के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। बहुत मेहनत की है पर थोड़ा टाइम में थोड़े आगे पीछे हैं। 2 बजे बुला दी थी तो 3:30। देवी माता जागा भाग्य हमारा, आदि कुंवर का जन्म हुआ है, मन चरणों में लागा प्रभु की। जय हो जय हो जय बोलो, जय हो जय हो जय आदि कुंवर की, जय हो जय। सेमारी की प्रतिष्ठा बहुत ऐतिहासिक प्रतिष्ठा है, बहुत ही पब्लिक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है पंडाल और आवंटन का भी कार्यालय बना है, पास ही में चिकित्सक का भी बना हुआ है और उसके आगे इतनी पब्लिक के सामने हमको नाचने और गाने का इतना मजा है कि हम देखते ही बन रहा है। इतना माहौल देखिए आप पीछे। इतनी गर्मी में लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था भी बढ़िया की गई है और अच्छा। अब तक आपने देखा होगा कि जैन दर्शन आपसे सवाल पूछता था, अब हम जैन दर्शन से सवाल पूछेंगे। तीर्थंकर का जन्म होने वाला है तो वो अयोध्या नगरी अछूती कैसे रह ले, इसलिए समाज जैन के साथ ही काल्पनिक दृष्टि से सौधर्मेंद्र ये सब रूपरेखा तय करता है। और लगते थे हमने प्योर विशेष ध्यान दिया, कुल मिला के 50 कैमरे लगे हुए हैं पूरे 50 कैमरे पूरे पंडाल में।